गुड आफ्टरनून। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से विवनिट एग्जीबिशन का आयोजन किया हुआ था जिसमें आज तीसरा दिन है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे विजिटर्स जो सूरत बाहर से आए हैं उनमें से एक विजिटर्स है, तो जानते हैं उनसे विवनिट एग्जीबिशन का कैसा अनुभव रहा। सर आपका नाम? पवन मोती रमानी। सर आप कहाँ से आए हो? मेरा ट्रेडिंग फैब्रिक्स का काम है तिरुपुर में, और तिरुपुर ये तमिलनाडु के अंदर आया और काफ़ी बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री है, तो हम वहाँ पे फैब्रिक्स ट्रेड करते हैं। जैसे ही हमें वीवनेट के बारे में पता पड़ा तो हमें ऐसा था कि अपॉर्चुनिटी मिस करने जैसी नहीं है, हमें यहाँ पे आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और सारे ही जो भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स है अंडर वन रूफ उनसे मिलना चाहिए यहाँ पे। तो आज थर्ड डे है, हम आज आए हुए हैं और काफ़ी ही बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है यहाँ पे, और हमें इतने सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पे मिलके काफ़ी हमारा इसमें फ़ायदा होगा। सर ये वीवनेट एग्जीबिशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पहली बार हुआ है, तो इसकी जानकारी आपको किस तरह हासिल हुई थी सर? थ्रू हमारे सर्कल के थ्रू ही, क्योंकि हम फैब्रिक्स में डील करते हैं, कहानी तो कहाँ, हमें व्हाट्सएप के थ्रू आया था। और जब ये पता पड़ा कि सूरत की ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी ऑर्गेनाइज़ कर रही है, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने का इच्छा हुई। और हम यहाँ पे पहुँचने के बाद जो हिसाब से देख रहे हैं, जो स्प्रेड है यहाँ पे, नंबर ऑफ एग्जिबिट्स हैं फर्स्ट टाइम के होने के बावजूद भी, वो भी काफ़ी सारे हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि ये हर साल और बढ़ेगा, जो हिसाब से फर्स्ट ईयर में इनकी अचीवमेंट्स हैं, हर साल इसमें और बढ़ोतरी आएगी विद नंबर ऑफ एग्जिबिट्स के हिसाब से। सर आशा रखती हूँ कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आने वाले जो भी एग्जिबिशंस है टेक्सटाइल के रिगार्डिंग, तो आप उसमें ज़रूर से विजिट कीजिएगा सर, ताकि हम लोग को भी आप लोगों का साथ सरकार मिलता रहे और हम लोग आप व्यापारी भाइयों के लिए कुछ ना कुछ नया कर सके। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा सर तो ही हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।